साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा फार्मिंग। दोस्तों आज हमारे चिक्स को आए हुए 13-14 दिन हो गए हैं और हमें जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर जो है हम आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी आइए दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ, सबसे बड़ी जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है वो ये है। आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये चीज़ है। अब दोस्तों करते हैं आगे बात कि इसकी वजह से ये जो फार्म में जितने भी ड्रिंकर जो है हमारे लगे हुए उनके नीचे थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से ये गीलापन आ जाता है और इस गीलेपन की वजह से हमारे फार्म में गैस हो जाती है और उस गैस की वजह से मोर्टलिटी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी, जैसे कि ये हमने जो पिक्चर था उसके नीचे ये हमने निकालना शुरू कर दिया, इसको एक तरफा हमने कर लिया है। अब इसको बाहर डाल देंगे, आप देख पा रहे हैं हमारा बंदा लगा हुआ है और ये अभी बाहर डाल के आएगा इसको। तो दोस्तों ये जो है गैस, इससे बचने के लिए दो ही ऑप्शन है। नंबर एक, या तो आप फार्म को जो अपना लीटर है उसको गीला ना होने, अगर वो गीला होगा तो गैस होगी ही होगी। अगर फिर भी आपके फार्म में गैस हो जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे फार्म में गैस हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो ये गीलापन, जो भी लीटर हमारा गीला हो जाता है उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए और उसकी जगह और नया डाल दो ताकि ये गैस ना बने। फिर भी अगर थोड़ी बहुत गैस बन जाती है तो जो हमारे कर्टेन हैं, जो पर्दे हमने लगाए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा नीचे कर दो। नीचे से ऊपर न करें, ऊपर से नीचे करें ताकि मुर्गियों को जो अपना चिक्स है उसको सीधा हवा ना लगे, हवा ऊपर से ऊपर जाए। और दूसरा एक बात और ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, अगर हमने उस साइड का पर्दा इधर उस कोने से जो है डाउन कर दिया है तो दूसरी साइड का जो पर्दा है वो बिल्कुल उसके सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ी सी दूरी में होना चाहिए ताकि हवा जो है, हवा पास होगी फार्म के अंदर से वो सीधा ना निकले, थोड़ा सा तिरछा होके टेढ़ा होके यहाँ से जाएगी तो हमारे जो फार्म की गैस है वो निकल जाएगी। और दूसरा भी मैं बात करता हूँ, जो पाउडर हमने रखा है इसमें लगाने के लिए, जो हमारा लीटर गीला हो जाता है तब हम पाउडर का छिड़काव करते हैं, तो वो पाउडर भी हमें जो है आपको दिखा देंगे। ये है लीटर लाइट है दोस्तों, थोड़ा सा ये हमारा पुराना लेके आया हुआ है, काफ़ी टाइम पुराना और हम इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो है यूज़ होता ही नहीं है फार्म में, हमारे फार्म में गैस नहीं बनती जल्दी सी, और अगर बन भी जाती है तो हम सबसे पहले जो अपना लीटर जो गीला हो गया है उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं और उसकी जगह और डाल देते हैं, क्योंकि गैस का मेन कारण यही होता है। लीटर अगर गीला हो गया उसकी जो है हम अच्छे से उस गीलेपन की सफाई नहीं करेंगे तो गैस बनती ही बनती रहेगी। इससे अच्छा कुछ और करने से, पर्दा नीचे करने से ठीक है, पर्दा नीचा करना चाहिए क्योंकि गैस हो जाती है, उससे बढ़िया यही है कि ये जो हमारा लीटर है इसको आप बाहर फेंक दें, निकाल दें और फिर अगर थोड़ी बहुत गैस रह जाती है तो पर्दे डाउन कर लेने चाहिए दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ आपके काम आता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता हो उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद जय जवान जय किसान।